है कि वाल्मीकि को कितना पैसा दिया है, वाल्मीकि जनांग को कितना पैसा दिया और कैसा खर्च हो रहा है, और हमारा पोजीशन क्या है अभी, वाल्मीकि जनांग का पोजीशन क्या है, आर्थिक का कैसा है, एजुकेशन कैसा है, ये सब डिस्कस करना पड़ेगा। ये हमारा पहला डिमांड है। दूसरा डिमांड है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बनाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सबको राम कैसा मालूम है, राम हम सबको कैसा मालूम है, रामायण का द्वारा मालूम है। ये रामायण जो लिखा हुआ वाल्मीकि महर्षि, उसका मंदिर पहले, राम मंदिर से पहले उसका मंदिर बनना चाहिए अयोध्या में। अयोध्या में राम मंदिर से पहले वाल्मीकि का मंदिर बनना चाहिए। ये हमारा दूसरा डिमांड है मंच का तरफ से। ये सिर्फ वाल्मीकि मंदिर नहीं है, वो राम का मंदिर में और वाल्मीकि का मंदिर में जो पूजा करता है वो हमारा वाल्मीकि पुजारी होना चाहिए वहाँ। और जो राम मंदिर में पूजा करता है उधर जितना पैसा आता है उतना उसमें 50% हमारा वाल्मीकि समाज को देना चाहिए। 50% पैसा जो आता है उधर वो वाल्मीकि समाज के लिए देना चाहिए। वाल्मीकि शक्ति। और मैं रिजर्वेशन का बातें करता हूँ, कृपया मंच की व्यवस्था में जो बोल रहे हैं उन्हीं को सुने। रिजर्वेशन का बातें करने के लिए इच्छा करता हूँ। अंबेडकर से पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था, वो हमारा पहला संविधान है। बाद में हमारा अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, वो हमारा संविधान है। संविधान में लिखा है एससी को 15% रिजर्वेशन दो, एसटी को 3% दो, ओबीसी को इतना दो दो, और वाल्मीकि को भी एससी में डाला है। कितना वाल्मीकि लोग एससी रिजर्वेशन यूज कर रहा है इधर, कितने लोग यूज कर रहे हैं? कोई यूज कर रहा है? कोई आवाज ही नहीं आ रहा। इसका मतलब यह होता है कोई रिजर्वेशन का मतलब ही नहीं जानता। इसलिए मैं कह रहा था, हमारा मंच का तरफ से मैं मेजर डिमांड है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि वाल्मीकि समाज के लिए सेपरेट रिजर्वेशन देना, सेपरेट रिजर्वेशन देना वाल्मीकि समाज के लिए, वो राजनीतिक में, शैक्षणिक में, सभी क्षेत्र में, औद्योगिक में, सभी क्षेत्र में सेपरेट रिजर्वेशन होना चाहिए, वो भी जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सेपरेट रिजर्वेशन होना चाहिए हमको, तभी तो आप बोलता है ना, राजनीतिक पार्टियों बोलता है हम एसटी को इतना फंड दिया उतना फंड दिया वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। अरे कैसा यूज़ करेगा भैया, कैसा यूज़ करेगा, उसको मालूम ही नहीं तुम क्या दिया है, तुम क्या दे रहे हो उसको मालूम ही नहीं तो कैसा यूज़ करेगा वो। इसके लिए मैं कह रहा हूँ सेपरेट रिजर्वेशन होना चाहिए। सेपरेट रिजर्वेशन होना तो हमारा MLA MP सभी पार्लियामेंट असेंबली में जाएगा और हमारे लिए बात करेगा। जब वो कोई पार्टी से जीने दो, हम पार्टी का कुछ ले नहीं। और मैं स्पेशली साउथ इंडिया से आया हूँ, उधर आंध्रा में ST कैटेगरी ज्वाइन होने के लिए फाइल केंद्र सरकार में अभी भी पेंडिंग है। आंध्रा और तेलंगाना राज्य सरकार पास करके केंद्र सरकार को भेजा है वो फाइल। मैं ये मंच का तरफ से ये डिमांड रख रहा हूँ, वो फाइल तुरंत पास करके उसको ST रिजर्वेशन दिलाने के लिए ये मंच का तरफ से मैं डिमांड रख रहा हूँ। और तमिलनाडु में अभी भी हमारा वाल्मीकि लोग OBC में है, SC बेबी में नहीं है, ST बेबी नहीं है, अभी भी OBC में है। आप समझो कितना बैकवर्ड है हम। तो ये डिमांड है मंच का तरफ से, वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तीनों स्टेट का SC नहीं तो ST में करवाना, ये हमारा डिमांड है। और बहुत संत बात करने वाला है, मैं भी और थोड़ा बात करना चाहिए था लेकिन अभी टाइम कम है, इसलिए आप सबको और एक बार
शुभकामना बताता हूँ। और ये कार्यक्रम जो कार्यक्रम बनाया था जो अशोक अज्ञानी, वो सिर्फ नाम अज्ञानी है लेकिन वो बहुत ज्ञानी है। वो और उसका टीम को भगवान महर्षि वाल्मीकि आयुर आरोग्य ऐश्वर्य सभी देने दो करके मैं आशीर्वाद देता हूँ। जय वाल्मीकि। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।